मेरी भाई और बहना कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बनाएंगे इमली टमाटर की चटनी। चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए चलिए देखते हैं। हमने लिया 200 ग्राम इमली और आधा किलो टमाटर। इसको हम गर्म पानी में भिगो देंगे आधा घंटा के लिए। हमें हमने लिया खड़ी लाल मिर्च, अदरक को हमने लंबा लंबा करके काट लिया, ढेर सारा लहसुन की कलियाँ हमने ले लिया, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी, एरारूट, विनेगर। टमाटर को हमने काट लिया। हम कॉटन के कपड़े के मदद से सान लेंगे। इमली हमने सान लिया। देखिए कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तेल थोड़ा हम ज़्यादा डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है, डाल देंगे जीरा, तेज़पत्ता, हरी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन की कलियाँ, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। मसाला को हम कुछ सेकेंड भूंज लेंगे। टमाटर, हल्दी पाउडर, नमक अच्छे से मिला लेंगे और गलने देंगे। टमाटर गल चुका है, इससे ज़्यादा हम टमाटर को नहीं गलाएंगे। डाल देंगे इमली। दो सौ ग्राम चीनी, तीखी लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। यह मास पर हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट हमने पका लिया। आप डाल देंगे एरारूट। एरारूट को हमने पानी में घोल लिया। चटनी हमारा गाढ़ा हो चुका है। आप डाल देंगे विनेगर। आपको लंबा टाइम चलाना है चटनी को तो आप विनेगर डाल दीजिए। एक चम्मच डाल देंगे भुना जीरा पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे। भुना जीरा पाउडर डालने के बाद हम और 3-4 मिनट पका लेंगे क्योंकि थोड़ा पतला लग रहा है। 3-4 मिनट हमने पका लिया। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चटनी निकाल लेंगे। लीजिए खट्टा मीठा चटनी बनके तैयार है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई और एक वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।